नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पत्नी के प्यार में बिहार के दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया और झारखंड के धनंजय मांझी ने 1300 किलोमीटर का सफर काट डाला, वो भी गर्भवती पत्नी के साथ। दोनों महारथियों के सिर्फ नाम में मांझी नहीं, दोनों के शरीर में भी बिहार की माटी, क्योंकि कभी झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा था। ये कहानी है सरकार और धनंजय मांझी की जिद की, क्योंकि सरकार ट्रांसपोर्ट की सुविधा शुरू किए बिना ही परीक्षाएं करवा रही है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट के अभाव में झारखंड के धनंजय मांझी को स्कूटी पर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर 1300 किलोमीटर का सफर काटना पड़ गया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की परीक्षा जो दिलानी, और ये परीक्षा थी मध्य प्रदेश की राजधानी ग्वालियर में। बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड राज्य के गोड्डा जिले से धनंजय मांझी अपनी गर्भवती पत्नी सोनी हेम्बरम को स्कूटी पर लेकर 28 अगस्त को चले तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी मैदानी रास्तों को पार करते हुए 3 दिन में 30 अगस्त को 1300 किलोमीटर दूर ग्वालियर पहुंचकर ही दम लिया। धनंजय ने बताया कि दोपहिया से लंबे रास्ते में तेज बारिश होने पर हम एक पेड़ के नीचे 2 घंटे तक खड़े रहे। बिहार के भागलपुर से गुजरते समय बाढ़ का सामना करना पड़ा तो कई शहर और गांव की बदहाल सड़कों से गुजरे, गड्ढों के कारण काफी परेशानी थी। जबकि मुजफ्फरपुर में एक रात लॉज में और लखनऊ में एक रात टोल टैक्स बैरियर पर भी रुके, लेकिन पहुंच गए। कैंटीन में खाना बनाने वाले धनंजय खुद 8वीं पास, लेकिन कोरोना की वजह से वो भी बेरोजगार। स्कूटी में पेट्रोल भरवाने के लिए धनंजय ने अपनी पत्नी के जेवर 10,000 रुपए में गिरवी रखे। स्कूटी से 1300 किलोमीटर दूर गर्भवती पत्नी को परीक्षा दिलाने ग्वालियर लेकर आए धनंजय मांझी अपनी पत्नी को शिक्षक बनाना चाहते, इसीलिए पत्नी फिलहाल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्वितीय वर्ष की परीक्षा दे रहे। धनंजय और सोनी की अरेंज्ड मैरिज दिसंबर 2019 में हुई। धनंजय ने बताया कि 1300 किलोमीटर का सफर तय करने की प्रेरणा उन्हें दशरथ मांझी से मिली। अपने पति की इस लगन से खुश पत्नी सोनी हेम्बरम ने गर्भवती होने की वजह से ये सफर बहुत ही मुश्किल से काटा। उन्होंने बताया कि 7 महीने का गर्भ है, जिसके चलते 1300 किलोमीटर का सफर बहुत ही मुश्किल से काटा। कई बार पैर सुन हो जाते तो कभी कमर, पीठ और पेट दर्द से परेशान होना पड़ा। बीच में बारिश और बाढ़ भी आई, लेकिन पति की हिम्मत ने उसे हौसला नहीं खोने दिया। दोनों ने आखिरकार 1300 किलोमीटर दूर ग्वालियर पहुंचकर ही दम लिया।